नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। हाई स्कूलों में शिक्षक बहाली को लेकर जारी हुआ स्केड्यूल। सीएम नीतीश ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ी शिकायत अब ऑनलाइन कर सकेंगे दर्ज। बीपीएससी ने अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का परिणाम किया जारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। इसी के तहत गुरुवार को जहां 9 मामलों की पुष्टि हुई थी, वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 10 से ज्यादा मामले की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 13 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 78 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो बेगूसराय में 1, मुंगेर में 2, नालंदा में 1, पटना में 7, पूर्णिया में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 179,869 सैंपल की जांच की गई, वहीं 17 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। हाई स्कूल में शिक्षक बहाली को लेकर जारी हुआ स्केड्यूल। बिहार के हाई स्कूल में शिक्षक बहाली को लेकर सरकार ने आगे की तरफ कदम बढ़ाने का काम किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि छठे चरण के तहत हाई स्कूल में 32,714 शिक्षकों की बहाली होनी है और इसके लिए शिक्षा विभाग में स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी सूची के मुताबिक मेरिट लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 3 फरवरी तक कर दिया जाएगा और 8 फरवरी से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अंतिम रूप से जिन अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा उन्हें 17 और 18 फरवरी को नियोजन पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। इस स्केड्यूल के मुताबिक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन 10 जनवरी तक किया जाना है। इस सूची पर आपत्ति 11 से 25 जनवरी के बीच ली जाएगी। अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 3 फरवरी तक और 8 फरवरी से नगर निगम के लिए मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। नगर परिषद के लिए जिन अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा उनकी काउंसलिंग 9 फरवरी को होगी। बिहार में नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू। सीएम नीतीश ने ओमिक्रॉन के माहौल के बीच कही बड़ी बात। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों को देखते हुए बिहार में भी सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों ने अभी से ही अपने यहां पर सख्ती बढ़ा दी है, जिसके तहत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और यूपी के नाइट कर्फ्यू का ऐलान करने के बाद बिहार में भी इसकी चर्चा तेज हो गई थी। इसको लेकर अब सीएम नीतीश ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में फिलहाल नाइट कर्फ्यू की जरूरत नहीं है। बिहार की स्थिति सभी राज्यों से बेहतर है, यहाँ नाइट कर्फ्यू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीपीएससी ने अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का परिणाम किया जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने आज बिहार कृषि सेवा कोटी 1 के अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, आत्मा सहायक निदेशक के कुल 235 पदों पर नियुक्ति के लिए फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही ये भी बताया है कि 7 नवंबर 2019 को लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें 603 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। अभ्यर्थी बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। अंतिम मेधा सूची में 231 अभ्यर्थी शामिल है। 4 दिव्यांग अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण सीटें रिक्त रह गई हैं। सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ी शिकायत अब ऑनलाइन कर सकेंगे दर्ज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना से जुड़ी शिकायत लगातार जनता दरबार में देखने को मिल रही है। खासतौर पर पंचायती राज विभाग की तरफ से चलाई जा रही हर घर नल का जल और गली नली पक्कीकरण योजना से जुड़ी शिकायतों का अंबार जनता दरबार में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सीएम नीतीश अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर आ रही शिकायतों का निपटारा ऑनलाइन तरीके से कर सकेंगे। पंचायती राज विभाग ने इसे लेकर ई निश्चय लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को योजनाओं को लेकर परेशानी है या किसी अन्य तरह की शिकायत दर्ज करानी है तो वो सीधे ई निश्चय ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करा पाएंगे। इसको लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ई निश्चय को लॉन्च कर दिया है। बिहार में अब नहीं होगी पानी की कमी। नए साल में बिहार में अब पानी की कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि नए साल में ही 5 जनवरी के दिन एक साथ सभी जिलों में कुओं के जीर्णोद्धार का काम शुरू होगा। 7 दिनों में अभियान चलाकर जीर्णोद्धार का काम पूरा किया जाएगा। हर कुएं के नजदीक सोखता का निर्माण कार्य भी 6 जनवरी से शुरू होने वाला है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। 55,000 से अधिक कुओं का जीर्णोद्धार करना बाकी है। जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में विभाग ने कहा है कि जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा में पाया गया है कि कुओं के जीर्णोद्धार और सोखता निर्माण कार्य की प्रगति काफी धीमी है, इसलिए जिलाधिकारी अपने नेतृत्व में उक्त अवधि में जीर्णोद्धार और सोखता निर्माण का काम शुरू करने की सारी तैयारी करवा ले। उक्त सभी कार्य ग्राम पंचायतों में कार्यरत तकनीकी सहायकों की देखरेख में पूरा करवाने की बात भी कही गई है। अब पंचायत प्रतिनिधियों को दी जाएगी सुरक्षा।
बिहार में पंचायत चुनाव का समापन हो गया है, जिसके बाद जीते हुए उम्मीदवारों के बीच खुशी की लहर देखने को मिल रही है। हालांकि ये खुशी कई घरों में मातम में भी बदल गई है, क्योंकि जीत के बाद ही बिहार में लगभग 5 मुखिया की जान ले ली गई। यही कारण है कि पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनकर के सामने आई है। वहीं इसको लेकर अब पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कही है, जिसके तहत बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि लगभग 5 मुखिया की जान चली गई है। 3 लोगों के घर पर मैं भी गया हूँ, ये चिंता का विषय है। एक भी व्यक्ति की जान प्रशासनिक लापरवाही से होती तो यह चिंता का विषय है। स्थानीय बहुत से कारण रहे हैं, और भी बहुत से कारण है, उस पर जांच की जा रही है। हमने अपर मुख्य सचिव होम को निर्देशित किया है कि जिले में होने वाली सुरक्षा समिति की बैठक में किसी भी निर्वाचित सदस्य को किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो उसे तुरंत सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। अब बिहार में रात को ठंड से मिलेगी थोड़ी राहत। बिहारवासियों को कुछ दिनों पहले तक ठंड का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद अब ठंड भी नरम पड़ता नजर आ रहा है। यही कारण है कि बिहार में न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में आने वाले समय में रात को ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो शनिवार को प्रदेश में वायु की दिशा परिवर्तित पूर्वी होने के आसार है। यह स्थिति अगले 2 से 4 दिनों तक देखने को मिल सकती है। उक्त स्थितियों के चलते अगले 2 से 3 दिनों के दौरान रात के तापमान में 2-3 डिग्री की वृद्धि का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि बादलों की आवाजाही से कुछ इलाके में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। हालांकि पछुआ हवा का असर कम होने से कनकनी की स्थिति अभी नहीं रहेगी। पुलिस की नहीं चलेगी अब मनमानी। राजधानी पटना समेत अन्य कई जिलों के पुलिसकर्मियों की मनमानी अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि अब बिहार के कई जिलों के ट्रैफिक पुलिस अब बॉडी वॉर्न कैमरा से लैस हो चुके हैं। यानी कि अब पुलिस की वर्दी में ही कैमरा लगा होगा, जिसको पहनकर ट्रैफिक पुलिस चालान काटने का काम करने वाली है। इसकी जानकारी ट्रैफिक आईजी एमआर नायक ने दे दी है। साथ ही ये भी बताया है कि इस नई व्यवस्था से वाहन चेकिंग और चालान काटे जाने की पारदर्शिता आएगी। साथ ही साथ यातायात पुलिस की गतिविधियों और वाहन चालकों से बातचीत को उनके शरीर पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड किया जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड गन का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये गाड़ियों की रफ्तार मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पथ निर्माण विभाग ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दे दी बड़ी शक्ति। बिहार में ग्रामीण सड़कों के निर्माण की समय अवधि बढ़ाने की शक्ति कार्यपालक अभियंताओं को दे दी गई है। अब तक यह अधिकार मुख्य अभियंता और विभागीय सचिव के पास ही थी। सड़कों के निर्माण में देरी होने के बाद अवधि विस्तार की प्रक्रिया में अधिक समय लगने के कारण विभाग ने उक्त निर्णय जारी किया है। विभागीय सचिव पंकज कुमार पाल की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी किया जा चुका है। विभाग ने कहा है कि अब तक 3.5 करोड़ तक की संविदा वाले कार्यों के लिए मुख्य अभियंता तो इससे अधिक के काम में विभागीय सचिव प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति अवधि विस्तार पर निर्णय लेती है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार संवेदक के अनुरोध के बाद कार्यपालक अभियंता प्रस्ताव भेजते हैं और अधीक्षण अभियंता अनुशंसा करते हैं, जिसमें लंबा समय लग जाता है। इसी को देखते हुए उक्त निर्णय लिया गया है। दरोगा भर्ती परीक्षा कल पटना में बने 57 केंद्र। बिहार पुलिस में दरोगा और सार्जेंट के 2213 पदों पर भर्ती के लिए 26 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होने वाला है, जिसमें कुल मिलाकर 85,000 परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। इसको लेकर विभाग 1,000 से अधिक परीक्षा केंद्र का निर्माण भी किया जा चुका है। वहीं पटना में 57 केंद्रों पर परीक्षा की बात कही जा रही है। हालांकि गौर करने की वाली बात यह है कि इस परीक्षा में प्रशासन की विशेष नजर होने वाली है। खासकर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने वाले स्कॉलरों पर विशेष नजर देने का निर्देश दिया है। ओएसडी संजय कुमार ने इस बात की जानकारी दी, साथ ही इस बाबत निर्देश भेजने का भी काम कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जदयू भाजपा एक साथ लड़ेगी चुनाव। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आयोजन होना है। यही कारण है कि इसको लेकर तैयारियां अभी से ही तेज हो गई है। इतना ही नहीं, इसको लेकर तो बिहार में भी राजनीतिक सरगर्मी उफान मार रही है, क्योंकि चुनाव भले ही उत्तर प्रदेश का है, लेकिन चुनाव में हिस्सा बिहार की राजनीतिक पार्टियां भी बन रही हैं। इसी बीच यूपी चुनाव को लेकर अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अहम बात कह दी है, जिसके तहत बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में जदयू के साथ तालमेल के लिए तैयार हो गई है। उम्मीद है कि वहां दोनों के बीच तालमेल हो जाएगा। हम बिहार की तरह साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारी तरफ से गठबंधन की पहल केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह कर रहे हैं। जदयू ने लड़ने लायक सीटों की पहचान कर ली है। संभावित सीटों की सूची भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष को दे दी गई है। बिहार में कोरोना की स्थिति की जानकारी लेने आज बिहार आएगी केंद्रीय टीम। बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। आलम कुछ यूं है कि बीते कई दिनों से मामले
मामलों में उछाल और गिरावट दोनों ही देखने को मिल रही है। हालांकि देश भर की बात करें तो वर्तमान समय में ओमिक्रॉन के मामले कई राज्यों में आ चुके हैं। ऐसे में बिहार की क्या स्थिति है और संभावित तीसरी लहर को लेकर बिहार कितना तैयार है, इसकी जानकारी लेने खुद आज केंद्रीय टीम बिहार आ रही है। इतना ही नहीं, बिहार में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को 6 अलग अलग टीमों का गठन कर दिया गया है। साथ ही साथ बिहार में संक्रमण से निपटने के लिए बिहार में तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक टीम आज पटना भी पहुंच रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की सहमति के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। शराबबंदी लागू करने के लिए सीएम नीतीश ने महात्मा गांधी के वाक्य को किया याद। बिहार में बीते कई सालों से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन कुछ लोगों के कारण बिहार सरकार इसे सफल बनाने में नाकाम हो गई है। यही कारण है कि इस कानून को सफल बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध होकर अब काम कर रही है। वहीं इन दिनों सीएम नीतीश भी समाज सुधार अभियान पर बिहार के अलग अलग जिलों का भ्रमण करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में वो बीते दिन गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में जीविका कर्मियों को संबोधित करते देखे गए, जहां उन्होंने शराबबंदी कानून लागू करने के लिए गुजरात मॉडल की नहीं बल्कि गांधी जी के संकल्प की सराहना की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि गांधी जी जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब उन्होंने कहा था कि अगर मुझे एक घंटे के लिए तानाशाह बना दिया जाए तो मैं देश भर में शराबबंदी लागू कर दूंगा। सीएम नीतीश ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। वहीं आज सुबह से ही कई गणमान्यों ने उन्हें याद करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी कड़ी में बिहार के मुखिया सीएम नीतीश ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें नमन किया। वहीं इस दौरान राज्यपाल श्री फागू चौहान और सीएम नीतीश ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर राजकीय जयंती समारोह का आयोजन पाटलिपुत्र पार्क पटना में किया गया। वहीं इस अवसर पर सूचना और जनसंपर्क विभाग की तरफ से आरती पूजन और देशभक्ति के गीतों का गायन भी किया गया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रघुनाथ प्रसाद, रामानंद राजा, अविनाश बायो, धर्मेंद्र पाठक, ममिता कुमारी, संजय कुमार, मिंटू सिंह, सुशील कुमार, बिहार न्यूज, पवन कुमार, मृत्युंजय कुमार, खान सर, नंबर वन टीचर, शंकर मुखिया। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या बिहार सरकार का नाइट कर्फ्यू नहीं लगाने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।